नमस्कार दोस्तों, द लीशम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले हम अभी कुछ क्लासिकल थिंकर्स पे हमने बात की थी और उन पर एक अलग सीरीज चल रही है। इसके साथ ही हमने सोचा है कि जो समाजशास्त्र में जो बेसिक कंसेप्ट हैं या कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनको अलग से उन पर एक डिस्कशन किया जाए, क्योंकि ऐसा यूजीसी नेट के पेपर में देखा जाता है कि इन पर एक दो क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं। आज के लेक्चर में हम सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस पढ़ाने वाले हैं आपको, और यहाँ से आप मेरे बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या है। इसके साथ द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूजीसी नेट के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करवाई जा रही है, और यूजीसी नेट में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने मैक्स वेबर का एक लास्ट वीडियो रह गया है केवल धर्म पर, उसके बाद हम मॉडर्न थिंकर्स की ओर चलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर थिंकर्स की ओर चलेंगे। लेकिन आज हम थिंकर से अलग थोड़ा सामाजिक प्रक्रियाओं पर बात करेंगे कि सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सोशल प्रोसेस क्या होती हैं। व्यक्ति समाज में सारी क्रियाएं खुद से पूरी नहीं कर सकता। व्यक्ति को आवश्यक होती है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में अंतःक्रिया करे। जब व्यक्ति अंतःक्रिया करता है तो समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंध बनते हैं, और सामाजिक संबंध जो है, सामाजिक संबंध की जो प्रोसेस है वो सामाजिक सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होती है, और जो सोशल इंटरेक्शन है वो सोशल प्रोसेस के माध्यम से होती है। यानी जब सोशल प्रोसेस में कंटिन्यूटी आ जाती है या लगातार होती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं, तो वो सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। सामाजिक अंतःक्रिया को समझने के पहले एक यहाँ पर मैं आपको कथन बता रहा हूँ, कोटेशन है कि मैकाइबर एवं पेज कहते हैं कि समाज में संघर्ष तथा सहयोग दोनों हैं, लेकिन सहयोग प्रमुख है। कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर बोथ इन सोसाइटी बट कोऑपरेशन इज सुप्रीम। मैकाइबर एवं पेज का कहने का मतलब है कि समाज में जो प्रक्रियाएं हैं, समाज में जो प्रोसेस है, वो सहयोग के रूप में भी होती हैं और संघर्ष के रूप में भी होती हैं, लेकिन जो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो सुप्रीम होती हैं, वो प्रमुख होती हैं, समाज में प्रमुखता लिए हुए होती हैं। यहाँ पर हालांकि वो ये समाज के संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसको सोशल प्रोसेस से जोड़ने का प्रयास किया है उनके इस कथन को। अब देखते हैं जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। एक होती है सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं और एक असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं या डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। जो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस होती हैं ये चार प्रकार की होती हैं। इसमें सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया, एकोमोडेशन सोशल प्रोसेस, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण की सामाजिक प्रक्रिया, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाएं। जो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं ये समाज के लिए सकारात्मक होती हैं, ये समाज के लिए बेहतर होती हैं। जो कोऑपरेटिव होता है, कहा जाता है ऐसा समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण कथन है कि समाज बिना सहयोग के नहीं चल सकता, यानी समाज में सहयोग आवश्यक है और बिना सहयोग के समाज जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जो कोऑपरेशन है इसको हम सहयोग कहते हैं, सहयोगात्मक सामाजिक क्रिया। और जब व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करता है, एक दूसरे की सहायता करता है, तो इस प्रोसेस को हम कोऑपरेशन सोशल प्रोसेस कहते हैं। हालांकि कोऑपरेशन जो सोशल प्रोसेस है इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो एकोमोडेशन है इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलनशीलता या अनुकूलन। जब दो सोसाइटी, मान के चलो कि दो समाज हैं या दो संस्कृतियां हैं,
जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ अनुकूलन कर लेती है, यानी एकोमोडेशन कर लेती है, और अनुकूलन की जो प्रक्रिया है, यानी जो एकोमोडेशन की प्रक्रिया है, ये संघर्ष के बाद की अवस्था है। ये संघर्ष के पहले नहीं होता है, क्योंकि कोई भी समाज एक लंबे समय तक संघर्षरत नहीं रह सकता। संघर्ष के बाद वो दो संस्कृतियाँ, वो दो समाज आपस में क्या एकोमोडेशन कर लेते हैं। और एकोमोडेशन को मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ कि अनुकूलन क्या होता है। मान के चलो कोई एक विद्यार्थी है, वो ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में आता है, यानी गांव से वो शहर में आता है, तो वो शहर की सारी संस्कृति, जितने भी पैटर्न हैं, मूल हैं, वो सबको क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी वो शहरी संस्कृति के साथ अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है, अपना अनुकूलन कर लेता है। एक दूसरा हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका उदाहरण देखने का, समझने का प्रयास करते हैं कि एक नवविवाहित वधु जब अपने मायके पक्ष से ससुराल पक्ष में जाती है, तो वो उस दूसरे परिवार के साथ एकोमोडेट करती है। तो यही जो प्रक्रिया है, ये एकोमोडेशन की प्रक्रिया है, और हम इसी को एकोमोडेट कहते हैं, या एकोमोडेशन की प्रक्रिया कहते हैं, या हम कहें कि अनुकूलन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी सामाजिक पर्यावरण के साथ जब कोई एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ मिल जाती है, या उसके जैसे मूल्यों को सीख लेती है, उसके प्रतिमानों को सीख लेती है, तो इस क्रिया को हम एकोमोडेशन सोशल प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है एसिमिलेशन की। तो जो एसिमिलेशन है, ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। और एसिमिलेशन में क्या होता है कि मान के चलो कि दो संस्कृतियां हैं या दो समाज हैं, जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ मिलती है, तो पहली वाली संस्कृति अपने मूल्यों को पूर्णतः खो देती है, और वहां पर फिर वो क्या होता है कि एसिमिलेशन की प्रोसेस कहलाती है। हम उदाहरण के रूप में हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों अवधारणाएं एक साथ ही समझ लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैंने एक 10 मोमबत्तियां ली और एक गरम कड़ाहा में 10 मोमबत्तियों को एक साथ डाल दिया गया और उनसे एक मोमबत्ती बना ली गई, यानी जितनी भी मोमबत्ती थी उसने अपने स्वरूप को खोकर एक मोमबत्ती का हमने रूप दे दिया। तो इस जो प्रोसेस थी, ये क्या कहलाई, एसिमिलेशन, यानी हर एक मोमबत्ती ने अपना अस्तित्व खो दिया। ऐसे ही जब हम इसे संस्कृति के संदर्भ में लेते हैं, जब कोई एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के संपर्क में आती है, तो वो संस्कृति क्या है कि अपने मूल्यों को खोकर दूसरी संस्कृति को अपना लेती। प्रारंभिक जो समाजशास्त्री थे वो एसिमिलेशन को एक तरफ ये प्रक्रिया मानते थे, लेकिन जो आज के समाजशास्त्री हैं, आज जो एसिमिलेशन प्रोसेस पढ़ते हैं हम, सोशल प्रोसेस, इसको दो तरफी प्रक्रिया मानते हैं। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, तो वो आधे कुछ मूल इनसे लेती हैं और कुछ मूल इनको देती हैं, और दोनों अपने विशुद्ध यानी प्योर फॉर्म में नहीं रहती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन सोशल प्रोसेस कहते हैं। आप मोमबत्ती के उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमने 10 मोमबत्तियां ली, उनको एक स्वरूप में दे दिया, यानी वो एसिमिलेट हो गई, अब उनको अलग कर पाना अलग है। जैसे शरबत के घोल से शक्कर और पानी को अलग कर पाना मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि वो एसिमिलेशन की प्रक्रिया में आ गए। ऐसे ही जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, तो एसिमिलेट हो जाती हैं, आप उनको पृथक नहीं कर सकते। तो ये एसिमिलेशन सोशल प्रोसेस कहलाती है। एक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट, एक फैक्ट है कि एसिमिलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट पार्क ने किया था। रॉबर्ट पार्क अमरीकी समाज में अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने एसिमिलेशन शब्द का प्रयोग किया। फिर बात आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम इस संदर्भ में समझते हैं, जैसे मैंने 10 मोमबत्तियों वाला उदाहरण लिया, कि हम कोई एक धागा लेते हैं और उस धागा में 10 मोमबत्तियों को प्रो देते हैं, ठीक है, एक साथ। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितनी भी मोमबत्ती हैं, मोमबत्ती का मतलब जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो अपने स्वरूप को नहीं विकसित करती हैं, वो अपना अलग पृथक अस्तित्व रखती हैं और उसके साथ एक धागे में जुड़ जाती हैं। इसका दूसरा उदाहरण हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में समझ सकते हैं। भारतीय जो समाज है, इसमें इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या होता है कि हमने अनेक जाति, धर्म,
नस्ल क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों को क्या किया है, इंटीग्रेट कर रखा है, इंडिया नामक धागे में प्रो रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑपरेशन क्या है। कोऑपरेशन का मतलब है सहयोग होना चाहिए लोगों के बीच में, और ये समाज की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि समाज बिना कोऑपरेशन के नहीं चल सकता। एकोमोडेशन का मतलब है कि सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेना, एकोमोडेट कर लेना, किसी ग्रामीण व्यक्ति का शहरी क्षेत्र में आना और शहरी क्षेत्र के मूल प्रथा परंपरा रीति रिवाज इत्यादि को अपना लेना, उसके जैसे हो जाना, यानी उसके सामाजिक पर्यावरण के साथ क्या कर लेना, अपने आप को अनुकूलित कर लेना, वो क्या है, एकोमोडेट कहलाता है। एसिमिलेशन में क्या हुआ कि एक संस्कृति ने अपना अस्तित्व ही खो दिया और वो उसी संस्कृति की तरफ हो गई। लेकिन नवीनतम समाजशास्त्र इसको दो तरफी प्रक्रिया मान रहे हैं जैसा कि मैंने बताया। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सबका अपना अस्तित्व रहता है और सब एक रूप में जुड़े होते हैं। मैंने बताया कि जैसे भारत में विभिन्न संस्कृतियां एक साथ जुड़ी हुई हैं तो वो क्या है, इंटीग्रेशन कहलाते हैं। तो ये जो आपको मैंने चार शब्द बताए या चार कॉन्सेप्ट बताए, ये एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस थी। अब इसके विपरीत ऐसा है नहीं कि समाज में सिर्फ सहयोग ही हो, समाज में संघर्ष ना हो। समाज में संघर्ष भी होते हैं, और जब संघर्ष होते हैं तो इनसे संबंधित अवधारणाएं होती हैं, उसे हम डी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या है कि संघर्ष नहीं होता है, साधन स्पष्ट होते हैं, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। लोग प्रति कॉम्पिटिशन तब होता है जब समाज में जो हमारे जो साधन हैं वो सीमित हों और उनको प्राप्त करने वाले बहुत से लोग हों। जैसे आईएएस की सीटें सीमित होती हैं किसी सरकारी जॉब, वहाँ पर क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक सरकारी पोस्ट पर जाऊँ, आईएएस ऑफिसर बनूँ या पीसीएस ऑफिसर बनूँ। तो फिर गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रख दिया, प्रतियोगी परीक्षा रख दी, उन्होंने इसमें साधन भी तय कर दिए और साध भी तय कर दिए। यहाँ पर संघर्ष नहीं होता है। यहाँ पर जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर कहते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है ये शांतिपूर्ण संघर्ष है। संघर्ष तो है लेकिन इसमें हिंसा का स्थान नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका कॉम्पिटिशन कहना। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसमें दो पक्ष होते हैं और ये जब तक संघर्ष करते हैं और संघर्ष हिंसात्मक करते हैं, जब तक कि सामने वाला कोई एक दूसरा पक्ष अपने आप को हारा ना मान ले या उसका विनाश ना हो जाए। यानी कन्फ्लिक्ट समाज में होता है, सोशल एक प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें हिंसा होती है। अब हम बात करते हैं इसको तीसरे नंबर वाले को हम बाद में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रावेंसर। पहले हम पढ़ते हैं अपोजिशन। अपोजिशन जो होता है समाज में, ये सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। हम देखते हैं जब भी दो राजनीतिक पार्टियां आपस में बात करती हैं, जब सत्ता पक्ष किसी नीति या मूल्य को लाता है तो विपक्ष अपोजिशन के रूप में होता है। यानी ये विद्रोह तो करता है, सरकार के खिलाफ तो बात करता है, लेकिन मौखिक रूप से करते हैं, लिखित रूप से करते हैं, लेकिन यहाँ हिंसा नहीं होती है। यहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा, द्वेष, घृणा की भावना नहीं होती है, लेकिन अपोजिशन करते हैं क्योंकि इसका एक उद्देश्य होता है कि उन चीज़ों में सुधार हो। जो रिवेलियन मैंने यहाँ पर बताया, ये विद्रोह है। विद्रोह में क्या होता है, इसमें भी हिंसा होती है, घृणा होती है, द्वेष होता है, लेकिन रिवेलियन जो होता है ये एक जैसे 1857 की क्रांति हम देखेंगे तो वो एक जो सोशल प्रोसेस थी वो कैसी थी, असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया थी। ये कन्फ्लिक्ट से अलग होती है। रिवेलियन जो होता है कन्फ्लिक्ट में बिल्कुल एकदम अपने जो सामने वाले पक्ष को है उसको हटा ही दिया जाता है, उसको तहस नहस ही कर दिया, जबकि रिवेलियन में कुछ एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, लेकिन घृणा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि इसमें भी शामिल है। जो कंट्रावेंशन है इसको हम कहते हैं प्रतिकूलता, कहा जाता है इसको हिंदी में प्रतिकूलता। तो इसमें क्या होता है कि ये ना तो कन्फ्लिक्ट की अवस्था होती है ना कॉम्पिटिशन की अवस्था होती है, ये इन दोनों का संयुक्त रूप होता है, यानी ज्वाइंट फॉर्म होता है। इसमें
व्यक्ति मस्तिष्क में अस्थिर महसूस करता है अपने आप को, वो समाज में स्पष्ट खुल के नहीं लड़ पाता है, यानी जो सामाजिक परिस्थिति है उसके साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, और जब वो अनुकूलन नहीं कर पाता है तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है और उसको वो समाज के सामने रख भी नहीं पाता, यानी ये कॉम्पिटिशन और कन्फ्लिक्ट की बीच की अवस्था होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे सोशल प्रोसेस के जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और आपको समझ में भी आ चुका होगा क्योंकि मैंने बहुत ही साधारण उदाहरणों के द्वारा बताया है। और ये एक अलग सीरीज चला रहा हूँ मैं समाजशास्त्र के प्रमुख शब्दावली के नाम से, या जो की मेंट जो की टर्म होते हैं उनके लिए। और कल हम आपसे मिलेंगे परसों मैक्स वेबर के सामाजिक सिद्धांत के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।